राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है औद्योगिक समूहन। गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और वडोदरा के मध्य में है, लेकिन इस प्रदेश का विस्तार दक्षिण में वलसाड और सूरत से लेकर पश्चिम में जामनगर तक है। इस प्रदेश का विकास भी सन 1860 में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ जुड़ा है। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की अवनति होने के बाद ये वस्त्र उत्पादन का महत्वपूर्ण प्रदेश बन गया है। इस प्रदेश के उद्योगों को दोहरा लाभ मिला है। एक तो ये एक कपास उत्पादक क्षेत्र में है, दूसरे ये घने आबाद गंगा के मैदान के विशाल बाजार की निकटता का लाभ उठाता है। तेल क्षेत्रों की खोज के बाद से यहाँ अंकलेश्वर, वडोदरा और जामनगर के आसपास विविध प्रकार के पेट्रो रसायन उद्योग विकसित हो गए हैं। कांडला पत्तन से इस प्रदेश के तीव्र विकास में बहुत सहयोग मिला है। कोयाली में पेट्रोलियम परिष्करण शाला ने अनेक प्रकार के पेट्रो रसायन उद्योगों को कच्चा माल प्रदान किया है। इस प्रदेश में उद्योगों का विविधीकरण हो गया है। सूती, रेशमी और कृत्रिम वस्त्र उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग के अलावा इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं भारी और आधारभूत रसायन, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, वस्त्र उत्पादन की मशीनें, इंजीनियरी, दवाएं, चीनी, दुग्ध उत्पादन और खाद्य परिष्करण। अभी थोड़े समय पूर्व ही देश की सबसे बड़ी परिष्करण शाला ने जामनगर में उत्पादन शुरू कर दिया है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड और जामनगर। छोटा नागपुर प्रदेश। ये प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है तथा अपने भारी धातु कर्मी उद्योगों के लिए विख्यात है। इस प्रदेश के विकास का मुख्य कारण दामोदर घाटी में कोयले तथा झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज है। कोयले, लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों के पास पास पाए जाने के कारण ही इस प्रदेश में भारी उद्योगों को लगाने में सुविधा हुई है। जमशेदपुर, बर्नपुर कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में लोहे और इस्पात के पांच बड़े एकीकृत कारखाने इसी प्रदेश में स्थित हैं। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करने के लिए प्रदेश में ही ताप बिजली घर और जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं।
इस प्रदेश के आसपास के सघन बसे क्षेत्र से सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। इस प्रदेश के लिए हुगली औद्योगिक प्रदेश एक विशाल बाजार के रूप में काम करता है। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं भारी इंजीनियरिंग, मशीनी उपकरण, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल के इंजन और बिजली का भारी सामान। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। विशाखापत्तनम गुंटूर प्रदेश। ये औद्योगिक प्रदेश विशाखापत्तनम जिले से लेकर दक्षिण में कुरनूल और प्रकाशम जिलों तक विस्तृत हैं। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास मुख्यतः विशाखापत्तनम और मछलीपत्तनम के पत्तनों और इनके पृष्ठ प्रदेश की समृद्ध कृषि तथा खनिजों के विशाल भंडार पर आश्रित है। गोदावरी द्रोणी के कोयला क्षेत्र इस प्रदेश को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1941 में विशाखापत्तनम में जलयान निर्माण उद्योग लगाया गया था। पेट्रोलियम परिष्करण शाला आयातित कच्चे तेल पर आधारित है तथा इसने अनेक पेट्रो रसायन उद्योगों को जन्म दिया है। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं चीनी, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम और इंजीनियरिंग के हल्के सामान। गुंटूर जिले में एक सीसा जस्ता प्रगलन संयंत्र भी चालू है। विशाखापत्तनम में स्थित लोहे और इस्पात का कारखाना बेलाडिला के लौह अयस्क का उपयोग करता है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंदरी, गुंटूर, एलुरु और कुरनूल। गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश। विगत वर्षों में इस प्रदेश में स्थित उद्योगों ने बड़ी तेजी से प्रगति की है। ये प्रदेश खनिज और शक्ति के स्रोतों से दूर स्थित हैं, इसलिए यहाँ हल्के और बाजारोन्मुख उद्योग लगाए गए हैं। इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग के हल्के सामान और बिजली का सामान। इनके अलावा बड़े पैमाने पर विकसित उद्योग हैं सूती, ऊनी तथा कृत्रिम वस्त्र, हौजरी, चीनी, सीमेंट, मशीनी उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रसायन और वनस्पति। सॉफ्टवेयर उद्योग अभी नया नया ही शुरू हुआ है। इसके दक्षिण में मथुरा आगरा औद्योगिक क्षेत्र है। कांच और चमड़े का सामान इस प्रदेश की विशिष्टता है। मथुरा में तेल परिष्करण शाला तथा पेट्रो रसायनों का संकुल है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं गुड़गांव, दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा। कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुज्जा, अर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों में है। रोपण कृषि और जल विद्युत ने इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान किया है।
ये प्रदेश देश की खनिज पट्टी से दूर है, अतः यहाँ मुख्य रूप से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से संबंधित और बाजारोन्मुख हल्के उद्योग ही विकसित हुए हैं। इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं सूती वस्त्र, चीनी, रबड़, माचिस, कांच, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग। इनके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, कागज, नारियल रेशे के उत्पाद, एल्यूमीनियम और सीमेंट उद्योग भी उल्लेखनीय है। कोची में तेल परिष्करण शाला ने इस प्रदेश के उद्योगों में एक नया आयाम जोड़ दिया है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवाई, कोची और अलपुजा। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। औद्योगिक समूहन, गुजरात औद्योगिक प्रदेश। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचिका थी वंदना रावत। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।